हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं वेलकम लाइव चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ज़्यादातर जब भी कोई एक्सीडेंट होता है गाड़ी के अंदर, तो सबसे ज़्यादा ड्राइवर की अपेक्षा कंडक्टर की मौत ज़्यादा होती है हमेशा। तो वो क्यों होती है, किस गलती के कारण होती है, सब कुछ आज इस वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि सबको पता है कि पहले गाड़ी सीखने के लिए आपको कंडक्टर बनने की ज़रूरत है, तब आप एक ड्राइवर बन पाओगे। तो अगर आप एक कंडक्टर नहीं बनोगे तो ड्राइवर भी नहीं बन पाओगे। तो आपको पता है कि एकदम से तो आप उस सीट पर नहीं बैठ सकते, ये तो आपको पता है, लेकिन कुछ दिन आपको इस सीट पर बैठना पड़ेगा, तब आपको वो गाड़ी सीखने के लिए मिलेगी। तो कुछ मैं तरीके हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाद में घंटी को जरूर दबा दे और पाए हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये आपके लिए एक सुरक्षित जो भी वीडियो है, ये सुरक्षित वीडियो आपके लिए साबित होगी। तो आप इसको जो है ध्यान से सुने जो भी मैं बातें आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बातें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि गाड़ी में बैठकर मैं जो है फ्रंट वीडियो क्यों नहीं बना रहा, तो इसका कारण है कि मोबाइल को पकड़ने के लिए थोड़ी सी, अगर मैं फ्रंट बनाता हूँ तो क्वालिटी कम आती है, लेकिन बैक में क्वालिटी थोड़ी सही आ जाती है। तो देखिए, ये है हमारी कंडक्टर सीट होती है, तो हम इस पे हमेशा बैठे रहते हैं जो भी ड्राइवर कंडक्टर होते हैं। मान लीजिए आप मुझे, मान लीजिए मैं एक फ़िलहाल के लिए कंडक्टर हूँ, या फिर कोई और भी यहाँ पे शुरू शुरू में जो गाड़ी सीखता है वो कंडक्टर होता है, तो वो यहाँ पे बैठता है। तो उसका क्या है कि देखिए कितना गैप होता है यहाँ पे आपको 1 फुट का गैप मिलेगा। और ये क्या होता है, एक प्लास्टिक प्लास्टिक की चीज़ें होती है यहाँ पे सभी, और ये शीशा होता है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई गाड़ी यहाँ से ठुकेगी तो सीधा आपके पैरों को, दोनों पैरों को यहाँ से ले बैठेगी, और आप जाहिर सी बात है बचे बचे या न भी बचे, तो जब भी आपको कुछ ऐसा लगे कि हाँ कुछ खतरा होने वाला है या फिर गाड़ी भिड़ने या टच होने वाली है, तो आप जो है पीछे की साइड तुरंत, आपको कुछ नहीं करना है। कोई भी आपकी सिचुएशन हो, कितनी गंभीर सिचुएशन हो, आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि पीछे की तरफ आपको भाग जाना है, पीछे हो जाना है, और जितना भी हो सके आप ड्राइवर की उस पीछे की साइड जाके बैठ जाए, या फिर इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप कुछ कर सके, तो आपको क्या करना है, पीछे की तरफ हो जाना है बस, और वो भी ड्राइवर साइड आपको हो जाना है। तो इससे आपकी सेफ्टी होगी। और नेक्स्ट बात है कि यहाँ पे ज़्यादातर गाड़ी जो है कंडक्टर साइड से ही भिड़ती है, ड्राइवर साइड से बहुत मुश्किल से गाड़ी भिड़ती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि मुझे ड्राइवर बचा लेगा या फिर मेरे बारे में सोचेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा, जब उसको सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए कि उसे अपनी अपेक्षा आपको बचाना पड़े, आपकी अपेक्षा उसको बचाना पड़े, तो दोनों में से खुद को बचाएगा, आपको बिल्कुल नहीं बचाएगा। चाहे वो आपका कितना ही संबंधी हो, या फिर कितना ही आपका जानकार वाला हो, चाहे आपका भाई क्यों ना हो। और एक बात और है कि जो है आज मैं म्यूजिक सुन रहा था, तो ये लीड है मैंने लगा रखी थी। तो कभी भी आप भी ड्राइविंग करते समय, या फिर आप कंडक्टर साइड पे बैठ सीट पे बैठे हैं, तो जो वॉल्यूम है, आवाज़ है, वो कम करके रखें, क्योंकि इस आवाज़ में और जो भी गाना होता है उसमें अगर आप खो जाओगे तो आप इसकी धुन में लगे रहोगे, आपको और कुछ नहीं सूझेगा, न ही कुछ आप देख पाओगे न सुन पाओगे। तो हमेशा इस सीट पर जब भी बैठते हो, बी अलर्ट, मतलब कि सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि ये एक ऐसी सीट है, दोनों बहुत ही डेंजर सीट होती है ये। तो हमेशा अपने आप को और इतना टाइट यहाँ से पकड़ के रखिए, या फिर यहाँ पे पैर लगा के रखिए, कि आप जब भी, मतलब कि एक तरीके से फुल ब्रेक जब लगे तो आप अपने आप को संभाल सकें। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पैर लगा सकते हैं, यहाँ से आप इसको पकड़ सकते हैं, तो आप अपने जो बैलेंस है उसको बना सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं, कॉमन सी बातें आपको मैं बताने वाला था, तो मैंने बताई हैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, पहले का एक्सपीरियंस, फ़िलहाल मैं ड्राइवर हूँ। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो से थोड़ी सी नॉलेज आपको मिली है, अगर मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।